हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने अभी तक अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में आपका नाम जो है देख लिया होगा। जिन कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हो चुका है उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको जो है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है तैयारी कर देनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें नाखुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी चांसेस है। जैसे RRB NTPC हो गया, और उसके बाद RRB ग्रुप डी की बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, तो आपको उसमें जो है अपने लिए अभी से तैयारी चालू कर देनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज जो हम सिकंदराबाद जोन के जो है ALP और टेक्नीशियन के कट ऑफ की यहाँ पे बात करने वाले कि यहाँ पे कट ऑफ जो है कितना गया है, किस कारणवश जो है कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो चुका है, कितने टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। कई कैंडिडेट के यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम बताएंगे कि कितने पे आपका जो है कट ऑफ यहाँ पे गया है सिकंदराबाद जोन के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अगर गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रेलवे के रिलेटेड वो हम आप तक प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गाइज आपकी वैकेंसी की, तो देखिए सिकंदराबाद जोन के में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, 6436 नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी सिकंदराबाद जोन के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कितने हुए, तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है 8255 नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए। मतलब यहाँ पे आपके जो है कितने टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, तो 1.28 टाइम्स जो है कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए। अब जिन कैंडिडेट का यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर मेडिकल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे चांस दिया जाएगा। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे सारे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है असिस्टेंट लोको पायलट की बात करेंगे, फिर जो है टेक्नीशियन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ALP के जनरल कैटेगरी की बात करें, तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ है वो 70 पॉइंट समथिंग गया है। ये हमने जो है कैंडिडेट के यहाँ पे मार्क्स के ऊपर जो है एनालिसिस करके बनाया है, क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट जिनके 69.89 मार्क्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे जो है ALP के लिए डिसक्वालिफाइड कर दिए गए जनरल कैटेगरी से, ओके। और वहीं एक कैंडिडेट जो है वो 70.10 मार्क्स लेके आ रहे हैं और वो सिलेक्शन कर लेते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो कट ऑफ जो होगा वो 69.89 से तो ज़्यादा ही होगा और वो जो है 70.10 से कम होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ होगा। तो आपका कट ऑफ जो है 70 पॉइंट समथिंग आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें दूसरी, तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के 71 मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो चुका है, 70.21 मार्क्स वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, और एक कैंडिडेट जिनके 68 मार्क्स है उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है आपके लिए वो 70 पॉइंट समथिंग आपका जो है कट ऑफ गया है ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिकंदराबाद जोन में। उसके बाद हम बात करें ओबीसी की बात करते हैं, तो चलिए देखिए ओबीसी का आपका जो कट ऑफ गया है वो 65 पॉइंट समथिंग आपका जो है ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट जिनके 64.91 मार्क्स आ रहे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओके। और वहीं एक कैंडिडेट जो है 65.81 मार्क्स लेके आता है और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद एक कैंडिडेट 65.59 लेके आते हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है, 64.45 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है कि हमारा कट ऑफ जो है 65 से ऊपर ही होगा, तो आपका कट ऑफ जो है 65 पॉइंट समथिंग आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का कट ऑफ देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है 57 पॉइंट समथिंग गया है आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सिकंदराबाद जोन में। क्योंकि देखिए कैसे पता चला हमें, क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट यहाँ पे 54 मार्क्स लेके आए तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, वहीं एक कैंडिडेट 56 मार्क्स लेके आए उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी तरह एक कैंडिडेट यहाँ पे 57.81 मार्क्स लेके आते तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, और 57.42 वाले कैंडिडेट का भी यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ जो है 56 से तो ज़्यादा ही होगा और 57.42 से कम होगा, तो आपका कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद 59 कैंडिडेट वाले का भी यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, 61.60 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो चुका है। तो आपका SC कैटेगरी का कट ऑफ जो है 57 पॉइंट समथिंग आपका जो है SC कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं PCM की, तो देखिए PCM में जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो PCM जो है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 85.4 समथिंग आपका गया है। कैसे पता चला हमें, देखिए क्योंकि एक कैंडिडेट यहाँ पे 83 मार्क्स लेके आए थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उसी जगह एक कैंडिडेट यहाँ पे 85.55 मार्क्स लेके आए तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, और एक कैंडिडेट जिनके 85.58 है उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, 88 मार्क्स वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो चुका है 85
84.12 वाले मार्क कैंडिडेट का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। मतलब जाहिर सी बात है अगर 84.83 पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 84.83 से यहाँ पे आपका ज्यादा ही होने वाला है। और एक कैंडिडेट जो है उनके यहाँ पे 85.49 मार्क्स आए थे, तो यहाँ पे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, तो आप मान के चलिए आपका कट ऑफ जो है 85.4 के समथिंग आपका जो है कट ऑफ है। अगर आपका इतने मार्क्स है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे बात करते हैं ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका 82 से 82.30 के बीच में आपका जो है ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया है पीसीएम के लिए। क्योंकि देखिए 81 के मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 82 मार्क्स लाए थे एक उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, परंतु 82.39 लाने वाले कैंडिडेट जो थे उनका यहाँ पे कम्प्लीटली सिलेक्शन हो चुका है। फिर 85.91 वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो चुका है, एक कैंडिडेट जिनके 82.67 थे उनका यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए 82.29 यहाँ पे एकदम लोअर लिमिट जो थी आपकी उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है 82 से 82.30 के बीच में होगा। आई एम 100% श्योर अबाउट इट, ये आपका 100% श्योर है कि इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है 65 to 76 आपका एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 73.31 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ और 74.78 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक कैंडिडेट जिनके यहाँ पे 75.51 मार्क्स लेके आए उनका यहाँ पे जो है एससी कैटेगरी में पीसीएम के लिए सिलेक्शन हो चुका है, एक कैंडिडेट का 73.32 में भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए एक कैंडिडेट 74.92 लेके आए, देखिए 75 तो मैंने आपको बताया पर 74.92 अगर लेके आते बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है आपका जो कट ऑफ जो निकला होगा एससी कैटेगरी के लिए पीसीएम का वो 74.92 से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और वही कट ऑफ जो है एक कैंडिडेट यहाँ पे 75.51 लेके आते उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मतलब आपका कट ऑफ जो है 74.93 से लेकर 75.51 के बीच में आपका कट ऑफ रहा होगा, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है 75 से 76 के बीच एससी कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कट ऑफ का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते किसी और जोन का कट ऑफ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।